हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर किसी को भी काल नहीं लग रहा है तो कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। अब यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क या सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब इस तरह सेटिंग्स ओपन होगी। अब देखिए, ऊपर सिम वन और सिम टू का ऑप्शन मिलेगा। जिस सिम में प्रॉब्लम आ रही है उस सिम पर क्लिक कर देना है। तो हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर ओल्ड कॉल का ऑप्शन है, आपको चेक करना है यह चालू है कि नहीं है। अगर यह बंद होगा तो इसे चालू कर देना है, अगर यह चालू है तो इसे एक बार बंद करना है और फिर से चालू कर देना है। इतना आपको करना है। अब देखिए, यहाँ पर प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब अगर यहाँ पर 3G या फिर 2G पर क्लिक होगा तो आपको 4G या फिर अगर आपके फ़ोन में 5G का भी ऑप्शन है तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। इतना आपको चेक करना है। अब इसके नीचे देखिए ऑप्शन है एक्सेस पॉइंट नेम का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस सेटिंग को APN सेटिंग भी कहते हैं। क्लिक करने के बाद ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर रीसेट एक्सेस पॉइंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से रीसेट कर देना है। तो APN सेटिंग रीसेट हो जाएगी। अब आना है बैक। अब देखिए, सबसे नीचे एक और ऑप्शन है ऑपरेशन का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए ऑटो फ्लेक्ट पर क्लिक है, ऑटो फ्लेक्ट पर हमारा सेटिंग ऑन है। आपको चेक करना है, अगर यह सेटिंग बंद रहेगा तो इसे इस तरह चालू कर देना है। इतना आपको चेक करना है। चेक करने के बाद अब बैक आना है होम स्क्रीन पर और अब अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ़ करना है। स्विच ऑफ़ करने के बाद स्विच ऑन कर लेना है। जैसे ही इतना कर लेंगे अब आप फ़ोन लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए अब हम फ़ोन लगा कर चेक करते हैं। तो इसके लिए डायलर को ओपन करते हैं और अब फ़ोन लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी प्रॉब्लम थी सब ठीक हो गई है। तो इस तरह आप भी सही कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।